हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 30 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और फर्दर आपको किसी कॉन्सेप्ट पे डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्लॉज है, दैट इज 23 क्लॉज ऑफ आई एस 456, जो कि बीम्स के बारे में बात करता है। इसमें जो पहला आइटम है, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की एक सिंपली सपोर्टेड बीम अगर आप ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है, जो मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड सेक्शन है आरसीसी का, ठीक है। और यहां पर एक सर्टेन लोडिंग हो रही है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो जब आप फ्लेक्चरल कंप्यूटेशंस करते हैं तो वहां पर आपको इस इफेक्टिव डेप्थ की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब, फ्लेक्चरल कंप्यूटेशंस का मतलब यह है कि जब आप बेंडिंग मोमेंट के लिए जब आप डिजाइन कर रहे हो सेक्शंस या शियर के लिए, वहां पर इस टर्मिनोलॉजी का आपको यूज करना होगा। तो कोड हमारा इफेक्टिव डेप्थ को डिफाइन करता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। ध्यान रखिएगा, टेंशन रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है कि आपको टेंशन रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो बीम में, उसका सेंट्रोइड से लेके जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है वहां तक की जो दूरी है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ बीम। और उसमें क्या क्या चीजें आपको नहीं लेनी है, कोड ये भी बोलता है कि थिकनेस ऑफ फिनिशिंग मटेरियल। अब ये फिनिशिंग मटेरियल क्या हो सकता है, सपोज आप जब भी स्ट्रक्चर फिनिश करते हो तो आप पुट्टी करते हो, उस पर पेंट करते हो, तो जो उनकी वजह से जो एडिशनल थिकनेस हमारी मेंबर में मिल रही है वो आपको नहीं लेनी है जब आप इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हो। एंड द थिकनेस ऑफ एनी कंक्रीट प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर वियर, वो भी आपको नहीं लेनी है। एंड दिस विल नॉट अप्लाई टू डीप बीम्स, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये डीप बीम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डीप बीम्स के लिए मैं सब्सिक्वेंट क्लॉज जब आएगा आईएस 456 का, तो मैं वहां पे ज्यादा अच्छे से और डिटेल्ड एलेबरेशन कर दूंगा। तो एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो टेंशन रेनफोर्समेंट है जो आप बीम में प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपका मल्टी लेयर्स में भी प्रोवाइड कर सकते हो और सिंगल लेयर में प्रोवाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना रेनफोर्समेंट देना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास रेनफोर्समेंट आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना है बिकॉज ऑफ हैवी लोडिंग, तो आप एक लेयर में, यहां पर जो आपको रेनफोर्समेंट दिया है यहां पे, दिस इज इन वन लेयर टेंशन रेनफोर्समेंट। बट होगा क्या, जब आपको जो टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो आप सिंगल लेयर में नहीं प्रोवाइड करोगे बिकॉज बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा रेनफोर्समेंट, तो यू गो फॉर मल्टी लेयर रेनफोर्समेंट। तो यहां पर मैंने सिंगल रेनफोर्समेंट लिया है, सिंगल लेयर रेनफोर्समेंट लिया है, और यहां पर स्ट्रिप भी ली हुई है। स्ट्रिप का डायमीटर 10 mm है, बार का डायमीटर 25 mm है, और हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। तो यहां पर ये जो लाइन दिख रही है आपको बोल्ड में, दिस इज द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ठीक है, और ये हमारा एक्सट्रीम टेंशन फाइबर है। तो इस एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से लेके जो आपकी दूरी है सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, तो ये जो आपको दूरी मिल रही है, दिस इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ, जिसे आप जनरली आरसीसी में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो रेनफोर्सिंग बार्स आप सिंगल लेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं और साइज और स्पेस कंस्टेंट की वजह से आप मल्टी लेयर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंशन स्टील आपको निकालना होगा, और अकॉर्डिंगली आपकी इफेक्टिव डेप्थ आपको मिलेगी। तो इफेक्टिव डेप्थ आपको कैसे यहां पर मिल रही है, दिस इज गिवन बाई टोटल थिकनेस ऑफ द मेंबर, जो कि यहां पर H से डिनोटेड है, माइनस कवर। कवर यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो क्लियर कवर की बात कर रहा है, जो आपके जितने भी टाइप के आपके रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, चाहे वो शियर रेनफोर्समेंट हो, टेंशन रेनफोर्समेंट हो फ्लेक्चर के लिए, तो जो क्लियर दूरी है एक्सट्रीम टेंशन फाइबर से लेकर, यानी अगर बात करें तो यहां से लेकर ये जो दूरी है, दिस इज कॉल्ड क्लियर कवर, जो कि यहां पर हमारा 40 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी टोटल थिकनेस कितनी हुई मेंबर की, 600 mm, माइनस कवर हमारा कितना हुआ, 40 mm, माइनस डीएस इज द डायमीटर ऑफ स्ट्रिप, जो ये आपका स्ट्रिप शियर रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है, इसका जो डाया है वो 10 mm है, तो दैट थिकनेस माइनस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आपने निकाला, बिकॉज यहाँ सिंगल लेयर है
तो हमारा सिंगल लेयर के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारा सेंटर ऑफ बार के थ्रू पास होकर जाएगा, तो दैट विल बी टेकन एज हाफ ऑफ दी जो हमारा डायमीटर है। तो यहाँ पर डायमीटर हमारा 25 mm है, 25 / 2, तो आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, और जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 537.5 mm, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके मैंने दिखाया हुआ है। तो दिस इज हाउ इफेक्टिव डेप्थ इज कैलकुलेटेड। और अगर आपका मल्टी लेयर सिस्टम है, मल्टी लेयर सिस्टम जहां पर आपकी स्पेस और साइज कंस्टेंट की वजह से आपने जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं उनको एक से ज्यादा लेयर में प्रोवाइड किया, तो दीज आर द टेंशन रेनफोर्समेंट। तो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते समय आपको कंप्रेशन रेनफोर्समेंट देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एक्सट्रीम फाइबर पे जाइए, एक्सट्रीम फाइबर से जो भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर ये जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा रखा है, इसके लेवल पर जो हमारा फाइबर होगा वहां से जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर की दूरी है दैट इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। और यहां पर ये कंसेप्ट आया कैसे, बिकॉज जब हम एनालिसिस करते हैं फ्लेक्चरल कंपटेशन के लिए आरसीसी बीम में, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा एंटायर स्टील टेंशन एरिया है, सारा टेंशाइल जो स्ट्रेसेस हैं हमारा रेनफोर्समेंट बियर कर रहा है, एंड दैट इज लोकेटेड एट सीजी ऑफ बार ग्रूव, जितने भी नंबर ऑफ बार्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सीजी है, वहां पर हमारा टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारी एक्ट कर रही है, एंड दैट इज बियर बाई टोटल एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने भी बार्स हैं, जितने भी रेनफोर्समेंट बार्स हैं, दे ऑल कैरी सेम टेंसाइल स्ट्रेसेस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जिसके बेस पर हम ये सीजी का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जितने भी रेनफोर्समेंट बार्स हैं वो सारे हमारे सेम स्ट्रेसेस कैरी कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू सीजी लेवल, ठीक है। तो जब भी आप टेंसाइल में स्ट्रेसेस निकालोगे तो सीजी लेवल पे निकालते हैं, तभी हम ये मानते हैं कि जितनी भी बार्स हैं उसमें हमारे सभी बार्स में सेम टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, ईएससी गेट या स्टेट के जेई एग्जाम्स में, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इफेक्टिव डेप्थ के बारे में। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है, दैट इज 23.1, जो कि टी बीम्स और एल बीम्स के बारे में बात करता है। तो टी बीम्स और एल बीम्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, पहले ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक आपको बीम सपोर्टेड स्लैब फ्लोर सिस्टम दिखाया हुआ है, दिस इज बीम सपोर्टेड स्लैब फ्लोर सिस्टम, ये हमारा इट्स अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आरसीसी में जो यूज होता है आजकल बिल्डिंग्स में। तो यहां पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज स्लैब, ठीक है, इसकी एक सर्टेन थिकनेस है, इसकी आप फर्दर अभी बताऊंगा, दिस इज नोन एज थिकनेस ऑफ फ्लैंज। और यहां पर आपकी जो बीम है ये स्लैब के साथ मोनोलिथिकली हमने कास्ट कर रखी है, और हमारे बीच में सपोज अगर हमारा तो क्रॉस सेक्शन मैंने कट करके दिखाया, तो यहां पर बीच में कहीं कहीं कॉलम से सपोर्टेड होगा सिस्टम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्लैब जो है वो बीम्स के साथ, ये हमारी मेन बीम्स कहलाएंगी, और जो स्लैब है वो मेन बीम्स के साथ हमारा मोनोलिथिकली कास्टेड है। तो जो बिहेवियर होगा वो हमारा इंटरडिपेंडेंट होगा बीम का और स्लैब का। तो होगा क्या, जब मोनोलिथिकली दोनों हमारी कास्टेड हैं, तो जब हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपने आरसीसी के गुप्ता एंड गुप्ता वीडियोस में, अगर हम इसको काट लें तो जब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारी जो बेंडिंग है वो कुछ इस तरह हो रही है बीम की। तो होगा क्या, जब इस डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही होगी तो सर्टेन पोर्शन ऑफ स्लैब हमारा इस बीम के साथ, मेन बीम के साथ बेंड करेगा इस तरह, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन विच इज दिस डायरेक्शन, इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स हमारी बेंडिंग इस तरह कुछ होगी,
तो यहां पर दोनों डायरेक्शन में हमारी बेंडिंग हो रही है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है तो हमारा सर्टेन पोर्शन ऑफ स्लैब, स्लैब का कुछ पोर्शन हमारा इसके साथ बेंड करेगा और वहीं से हमारा इफेक्टिव विड्थ का कंसेप्ट आता है, जो कि अभी मैं फर्दर एलेबोरेट करूंगा। अब बिकॉज तो ये हमारा बीम कैसी हो गई, इट्स अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ टी बीम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां सर्टेन विड्थ इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस बीम, जो हमारा स्लैब है उसका सर्टेन पोर्शन हमारा बीम के साथ बेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा इंटीग्रल बिहेवियर हो रहा है एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो स्लैब का वो पोर्शन जो बीम के साथ एक्ट कर रहा है, लोड टेक कर रहा है और फ्लेक्चरल यानी बेंडिंग की वजह से हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं वो हमारा रजिस्ट कर रहा है, तो वो पोर्शन हमारा कहलाएगा फ्लैंज और नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा हमारा वेब, ठीक है। तो बिलो द फ्लैंज हमारा वेब है, जिसको आप रिब भी बोल सकते हैं। तो कई सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो वे मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे पास टी बीम या एल बीम के, पहला एलिमेंट है हमारा विड्थ ऑफ द फ्लैंज, जिसे आप विड्थ ऑफ द फ्लैंज बोलेंगे। अभी इनका सबका यूज होगा इसलिए मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं। तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज हो गया जो सर्टेन पोर्शन ऑफ स्लैब जो बीम के साथ, मेन बीम जो हमारी उसके साथ, जिसे आप वेब बोल रहे हैं उसके साथ बिहेव कर रहा है इंटीग्रल, उसे हम ब्रेथ ऑफ फ्लेंज बोलेंगे। और उसकी के करस्पॉन्डिंग आप इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालते हैं, बिकॉज हमारा पूरा स्लैब की विड्थ तो बिहेव नहीं करेगी, बिकॉज हमारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स से बना हुआ है हमारा स्लैब, डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है स्लैब। तो एक सर्टेन पोर्शन होगा स्लैब का जो हमारा इस मेन बीम के साथ बेंड करेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। दूसरा है हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज, जिसे आप डीएफ बोलते हैं। तो दिस इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, जिसे आप डीएफ से लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग द कवर। उसके बाद है हमारा रिब की विड्थ, इस रिब विड्थ को आप क्या बोलते हैं, दिस इज रिब विड्थ। ये थर्ड एलिमेंट है हमारा, जिसे आप बीडब्ल्यू से डेनोट करेंगे, इसको वेब विड्थ भी बोल सकते हैं। तो जनरली हमारी जो हम इसको लेते हैं, दिस इज टेकन एज डीडब्ल्यू बाई थ्री, जब इनिशियल प्रोपोर्शनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो DW by 3 लेते हैं। DW क्या है हमारा, दिस इज DW डेप्थ ऑफ वेब, फ्लैंज के बॉटम से लेकर हमारी जो एक्सट्रीम टेंशन रेनफोर्समेंट है वो हमारी वेब की डेप्थ है। और इसका पर्पस क्या है, रिब विड्थ प्रोवाइड करने का, इस तरह प्रोवाइड करने से थिकनेस जो होगी यानी विड्थ सफिशियंट होगी टू प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी, और जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं टेंशन रेनफोर्समेंट वो सफिशियंट स्पेसिंग के साथ हम उसमें प्रोवाइड कर सकें। और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस भी हमें लेने हैं, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी विड्थ होती है दैट इज टेकन इक्वल टू जिस कॉलम पे, बीच बीच में कॉलम पे सपोर्टेड होंगे, तो जो कॉलम की विड्थ होगी जिस पर यह बीम सपोर्टेड होगी उस कॉलम की विड्थ पर हमारा इसकी विड्थ डिसाइड कर लेते हैं हम। और एक ये कंसिडरेशन रहता है कि हमारा डेप्थ जितनी रख रहे हैं उसका 1/3 अप्रोक्सीमेटली आपको रिविड लेनी है। और तो ओवरऑल डेप्थ हमारी क्या हो जाएगी टी बीम की, थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लस दिस वेब की डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ के लिए कुछ हमारे गाइडलाइंस दी हैं बहुत सारी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में आप अगर देखोगे तो 1/15 ऑफ द स्पैन, दिस इज द स्पैन जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका हो रहा है। बिकॉज अगर हम ये कॉन्टिन्यूस बीम सिस्टम माने तो हमारा दो कॉलम्स के बीच में जो दूरी है उसको हम इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस बीम या कॉन्टिन्यूस फ्रेम सिस्टम, जो कि मैंने पुराने वीडियोज में आपको एक्सप्लेन किया है कि इफेक्टिव स्पैन आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो 1/12 से लेके 1/15 ऑफ द स्पैन आप लेना है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, जब हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो हमारे सिंपली सपोर्टेड एट एंड्स हैं। बट जनरली आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी स्ट्रक्चर्स में, आपको जनरली कंटिन्यूअस बीम्स या फ्रेम्स मिलेंगे, तो वहां पर डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशंस
आपको ओवरऑल थिकनेस लेनी है, दिस इज टेकन एज एल बाई 15 टू एल बाई 20 फॉर लाइट लोड्स, 1 बाई 12 टू 1 बाई 15 फॉर मीडियम वेट मीडियम लोड्स के लिए, और हमारी 1 बाई 10 टू 1 बाई 12 फॉर हैवी लोड्स। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम में आप टोटल डेप्थ डिसाइड करनी है तो इस क्रिटेरिया से आप प्रिलिमिनरी डिजाइन अज्यूम कर सकते हो और फिर उसके बाद रीचेक कर सकते हो। दीज आर फ्यू कंसिडरेशन। तो कोड ये कहता है कि हमारा बिकॉज कंप्रेशन एरिया बढ़ रहा है कंक्रीट का, तो हमारी जो बीम है वो मोर इफेक्टिव कहलाएगी, बिकॉज हमने कंप्रेशन जोन में अपना एरिया बढ़ा दिया और हमारी कंक्रीट जो है कंप्रेसिव में ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करती है, ज्यादा अच्छे से लोड बियर करती है, एंड वी हैव इंक्रीज द बियर विड्थ ऑफ द बीम इन द टॉप फाइबर्स। तो यहां पर लिखा है कि अगर जो स्लैब है हमारा, इट इज अज्यूम टू एक्ट एज अ कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ टी बीम। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा कंप्रेशन फ्लैंज की तरह एक्ट कर रहा है यहां पर। तो व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टी बीम आर एल बीम, तो उसे दो कंडीशन हमारा कोड कहता है सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला, कि जो स्लैब है हमारा दैट शैल बी कास्ट इंटीग्रली विद द वेब। ठीक है, तो जब हम कास्टिंग करते हैं तो दोनों बीम और स्लैब की एक साथ करेंगे, एंड द स्लैब शैल बी इफेक्टिवली बॉन्डेड टूगेदर इन एनी अदर मैनर विद द हेल्प ऑफ जनरली रेनफोर्समेंट के थ्रू हम दोनों को बॉन्डिंग इंश्योर करते हैं, एंड इसकी वजह से हम लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग हमारा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में हो रही है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड दिस इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो बीम जो स्लैब है उसकी बेंडिंग जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो रही है, उसकी जो थिकनेस है ये डीएफ, ये उसी से गवर्न्ड होती है। दिस इज गवर्न्ड बाय द बेंडिंग ऑफ स्लैब इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, उसकी हेल्प से आपकी डीएफ की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखने की जरूरत है, और इसी वजह से वी प्रोवाइड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो कोड ये कहता है कि जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, यहां पर मैंने दिखाया है कि दिस इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, यहां पर मैंने एक सर्टेन पोर्शन इफेक्टिव विड्थ जो कि इस बीम के साथ बेंडिंग हो रही है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे देखें, दिस बीम विल बिहेव लाइक दिस, एंड दिस इज, मान लेते हैं दिस इज द इफेक्टिव स्पैन। तो यहां पर सर्टेन पोर्शन ऑफ जो स्लैब है हमारा वो एक साथ बिहेव कर रहा है, एक साथ बेंड कर रहा है, तो इसकी जो सर्टेन विड्थ है हमारी ये बी इफेक्टिव, ये यहां पे ली गई है, और एनफोर्समेंट हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी प्रोवाइड कर रहे हैं अलोंग विथ जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है, और यही हमारा इंश्योर करता है कि हमारा मोनोलिथिकली बॉन्डेड है, हमारा जो बिहेवियर है वो मोनोलिथिक बिहेवियर है जब हमारे एक्सटर्नल लोड्स एक्ट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हम मोनोलिथिक एक्शन ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर जो ये ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट है जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होना चाहिए, कोड ये कहता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है जिसे आप मेन रेनफोर्समेंट बोल रहे हो, ठीक है, वो एएसटी मेंस है, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60% ऑफ दिस मेन रेनफोर्समेंट एट द मिड स्पैन ऑफ द स्लैब। मिड स्पैन ऑफ द स्लैब की इसलिए बात कर रहा है बिकॉज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो नियर मिड स्पैन होगा। ठीक है, तो मिड स्पैन के करस्पॉन्डिंग जो हमें बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसके 60% से ज्यादा होना चाहिए ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम टी बीम्स या एल बीम्स को डिजाइन कर रहे हैं, एंड देयर उनका जो फ्लैंज पोर्शन है वो कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो इफ द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब इज पैरेलल टू बीम, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन फिगर बिलो, such reinforcement shall not be less than 60% of the main reinforcement at the mid span of the slab. ये mid span इसलिए लेना है because वहां पर हमारा maximum bending moment होगा due to uniformly distributed load in a continuous frame system या continuous beam system. उसके बाद आते हैं हमारा next consideration है effective width of the flange. तो यहां पर जो effective width of flange के लिए बात कर रहा है वहां पर हमारा क्या है, monolithic system, monolithic and continuous beam system है, बीम एंड फ्रेम सिस्टम।
ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्यूरेट डिटर्मिनेशंस अवेलेबल नहीं है तो कोड ने ये कहा है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज लेनी है, ठीक है। वो आपको कैसे लेनी है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर बीम सपोर्टेड फ्लोर सिस्टम है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि सर्टेन बीम्स हैं, तो जो हमारा एंड स्पैन वाला बीम है पोर्शन है, ये पोर्शन ये हमारा एल बीम की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि स्लैब का सर्टेन पोर्शन बेंड कर रहा है, तो इस सर्टेन पोर्शन का जो ये विड्थ है इसे आप इफेक्टिव विड्थ एल बीम के लिए निकालेंगे। इसी तरह हमारा सर्टेन पोर्शन इसकी इफेक्टिव विड्थ हमारी टी बीम के लिए आएगी, जो हमारे कॉन्टिन्यूस स्पैन्स हैं, जो इंटरमीडिएट स्पैन्स के सपोर्ट्स हैं, वहां पर हमारी टी बीम बनेगी, जो हमारे एंड स्पैन्स की जो एंड सपोर्ट्स हैं वहां पर आपके एल बीम्स आपको देखने को मिलेगी। हमने यहां अज्यूम कर लिया कि सेंटर टू सेंटर जो सपोर्ट की डिस्टेंस है वो एस वन है और एस टू है। एक टी बीम हमने यहां पर ये वाली बीम कंसिडर कर रहे हैं और हमारी एल बीम हम यहां कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी हम अगर टी बीम की बात करें, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये आपका ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है। अगर मैं यहां पर इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूं, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक क्लियर स्पैन, हमने एक स्पैन लिया, इसको मान लेते हैं कि दिस इज इफेक्टिव स्पैन, जो हम कोड के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं कॉन्टिन्यूस बीम और फ्रेम सिस्टम में, ठीक है। तो एल इफेक्टिव आ गया आपका दो सपोर्ट्स के बीच में, तो अगर बेंडिंग मोमेंट आप ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, आपको बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। दिस इज बेंडिंग मोमेंट, यहां पर आपको फेस ऑफ सपोर्ट पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और यहां पर आपको एक पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा एट द मिड स्पैन, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी है वो हम एल नॉट मानेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है। एंड बिकॉज हमें अपनी एनालिसिस सिंप्लीफाई करने के लिए कोड ने ये सजेस्ट किया है कि अगर हमारा कॉन्टिन्यूस बीम फ्रेम सिस्टम है तो ये एल नॉट की जो वैल्यू है, इस डिस्टेंस बिटवीन कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स की जो वैल्यू है, दैट इज टेकन एज 70% ऑफ एल इफेक्टिव स्पैन। तो एल इफेक्टिव ऑफ पुराने प्रोविजन जो मैंने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से निकालेंगे और 70% इस एल नॉट की वैल्यू लेंगे, बिकॉज इसका यूज जो है वो इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा। तो हमारा कोड ये फॉर्मूला सजेस्ट करता है कि टी बीम्स के लिए हमारी जो इफेक्टिव विड्थ है वो हमारी एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ है। तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ द रिब और हमारा इस एल नॉट वैल्यू जो मैंने अभी बताई उस पर डिपेंड कर रही है। ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत है फॉर्मूला कंसेप्ट के साथ। तो आप देखोगे यहां पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोड का, जो स्ट्रेसेस होती हैं हमारी अगर विड्थ के थ्रू देखोगे तो ये कुछ इस तरह होती हैं, ठीक है। बट हम एनालिसिस के लिए क्या करते हैं कि जो स्ट्रेसेस हैं इफेक्टिव विड्थ पे हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं, बट एक्चुअल में होगा क्या, सेंटर ऑफ मेन बीम पर हमारी मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो हमारी कम होती जाएंगी। पर हम एनालिसिस के लिए ये मानते हैं कि हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं ओवर द इफेक्टिव विड्थ। तो इफेक्टिव विड्थ हमने टी बीम के लिए पढ़ लिया, एल बीम के लिए आप विड्थ ऑफ वेब हमारी वही रहेगी, बस यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनका हाफ कर दोगे, 6 डीएफ का हाफ आपका आ जाएगा 3 डीएफ और एल नॉट बाई 6 का आपका आ जाएगा एल नॉट बाई 12। तो एल बीम की इफेक्टिव स्पैन आपकी टी बीम से जनरली कम होगी। तो जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी उसको आपको कंपेयर किससे करना है, इन वैल्यूज से, कि जो हमारा इफेक्टिव विड्थ होगा वो हमारा कोड जो ऊपर अभी कोड में लिखा है कि विड्थ ऑफ वेब प्लस एस वन सी एस टू सी बाई टू से कम होगा या इसके बराबर होगा। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन एस वन सी और एस टू सी बाई टू। एस वन सी और एस टू सी क्या है, ये हमारा जो क्लियर डिस्टेंस है, ये हमारा एडजेसेंट बीम्स के बीच में जो दूरी है वो हमारी S1C और S2C है, और यहाँ पे जो मैंने S1 और S2 निकाला हुआ है ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट है। तो दोनों बातें सेम है कि जो इफेक्टिव विड्थ है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई 2 लिख लो आप चाहे,
या ये मानते हुए कि इनका जो इफेक्टिव विड्थ है सभी का BW है रिब का, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट कैन बी रिटन एज विड्थ ऑफ वेब प्लस S1C प्लस S2C बाई 2। इसको आप ब्रेक करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो आप कोई भी इंटरप्रिटेशन है जैसा आप समझना चाहो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इन फॉर्मूला से, ये चेक करना है कि वो हमारी ब्रेथ ऑफ वेब प्लस हाफ सम ऑफ क्लियर डिस्टेंस टू द एडजेसेंट बीम ऑफ ऑन आइदर साइड से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो टी बीम की जो इफेक्टिव विड्थ है वो हमारी एल बीम से ज्यादा है, इन केस जब कॉन्टिन्यूस बीम फ्रेम सिस्टम है तब की बात कर रहे थे। अब अगर हम दूसरा केस देखें आइसोलेटेड बीम्स की बात करें, वहां पर भी हमारी टी बीम्स और एल बीम्स मिलेंगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह की बीम्स आप कहां देखोगे, कि जो हमारे स्लैब आप डिजाइन करते हो स्टेयर केसेस के लिए, तो जो आपका ये स्लैब है अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन, अगर किसी सेक्शन पे आप काटोगे तो हमारा सेक्शन जो होगा वो टी बीम फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर हमारी जो एक्चुअल विड्थ एग्जिस्ट कर रही है और हमारा ये विड्थ जो है दिस इज बी, सर्टेन विड्थ होती है, जब आप स्टेयर्स में कभी आपने देखा होगा ये हमारी एक सर्टेन विड्थ होती है स्टेयर्स की, तो वो विड्थ जो है वो बी है, ठीक है, और जो हमारा नीचे उसके स्लैब प्रोवाइडेड है बीम प्रोवाइडेड है एंड देयर इज सर्टेन पोर्शन ऑफ स्लैब जिसके ऊपर हमारी स्टेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर इस बी का यूज होता है रेदर देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज, वहां पर थिकनेस ऑफ इस डीएफ का रोल नहीं है इफेक्टिव डेप्थ निकालने में। ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ध्यान रखना है कि इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए, बिकॉज यहां पर भी सर्टेन विड्थ ही एक्ट, जब बेंड करेगी स्टेयर केस अगर इसको देखें, जब बेंडिंग होगी तो इस विड्थ का, इस एक्चुअल विड्थ का सर्टेन पोर्शन ही हमारा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बेंडिंग में, तो दैट इज नोन एज इफेक्टिव विड्थ, जहां पर हम स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म मानते हैं। तो इस इफेक्टिव विड्थ की वैल्यू जो है आइसोलेटेड टी बीम्स के केस में L0 अपॉन L0 बाई बी प्लस 4, यहां पे देख रहे हैं एक्चुअल विड्थ का यूज किया गया है, और आइसोलेटेड टी बीम्स का, आइसोलेटेड एल बीम्स का जो है वो हमारा इसका हाफ वैल्यू है इस वैल्यू का, और इफेक्टिव विड्थ जो है इफेक्टिव विड्थ ऑफ जो रिब की विड्थ है, यानी ये जो यहाँ पर 200 आपको दिखी है इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे डीएफ की वैल्यू का कोई यूज नहीं है, और जो आइसोलेटेड टी बीम्स एल बीम्स जब आपको देखने कहाँ मिलती है, जहां पर स्लैब जो है हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा साइड्स में, दोनों तरफ से हमारा खत्म हो जाएगा हमारा जो एंड्स है, तो ऐसा कहाँ पे जो फुट ब्रिज होंगे अपने स्टेशन में देखे होंगे, जो आपके फुटओवर ब्रिजेस होते हैं वहां पे जो हमारी विड्थ मिलती है स्लैब की जिसके ऊपर फर्दर स्टेयर्स होती हैं और उसके नीचे हमारी एक मेन बीम होती है एंड दोनों एंड में हमारा रेलिंग लगी होती है, मतलब खत्म हो जाता है एक तरीके से हमारा स्लैब, तो दिस इज एक्चुअल विड्थ, और इसके करस्पॉन्डिंग में एक्चुअल विड्थ निकालते हैं, या फिर स्ट्रिंजर बीम ऑफ स्टेयरकेस जो मैंने अभी बताया, तो इसके अकॉर्डिंग आप इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर बी जो है वो एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इफेक्टिव विड्थ आनी चाहिए ये लेस देन आर इक्वल टू जो एक्चुअल विड्थ है उससे कम होगी, अगर ज्यादा है तो हमें बी वैल्यू ही लेनी है, बिकॉज थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन है ज्यादा आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि मैक्सिमम विड्थ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां पर सेम चीज मैंने लिखी हुई है, कंटीन्यूअस बीम एंड फ्रेम सिस्टम में एल नॉट में बी अज्यूम टू 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, तो 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट बी प्लस 4 ये एल बीम के लिए है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स इज द एल नॉट वैल्यू, DW इज द ब्रेथ ऑफ बीम एंड DEF इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू।